शर्मा। सारंगढ़ के गोमड्डा भ्यारण जंगल के समीप रहने वाले ग्रामीण इन दिनों भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ओडिशा से आए हुए हाथियों का एक दल गोमड्डा अभ्यारण में विचरण कर रहा है। आए दिन इन गांव से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं पिछले 3 दिनों से ये हाथियों का झुंड ग्राम सहसपानी के जंगल में अपना डेरा डाले हुए हैं और लगभग 25 एकड़ में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं ग्रामीण हाथियों के इस तांडव से भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट, गजराजों का तांडव। सारंगढ़ के गोमड्डा अभ्यारण क्षेत्रों में स्थित गांवों में इन दिनों ओडिशा से आए हाथियों के झुंड द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से यह हाथियों का झुंड गोमड्डा अभ्यारण के जंगलों में विचरण कर रहे हैं और जंगल से लगे आसपास के गांवों में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। आए दिन गोमड्डा जंगल से सटे गांव से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाथियों के झुंड द्वारा खेतों में लगे फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं ये हाथियों का झुंड अब गोमड्डा जंगल में विचरण करते हुए ग्राम सहसपानी पहुंच चुकी है, जहां पिछले 3 दिनों से जंगली हाथियों के झुंड द्वारा जमकर उत्पात मचाते हुए खेतों में लगे लगभग 25 एकड़ के फसलों को अपना निवाला बनाते हुए रौंद दिया गया है। वहीं ग्राम सहसपानी के ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड पिछले 3 दिनों से गांव के खेतों में उत्पात मचा रहे हैं। दिन भर तो ये हाथी जंगल के तरफ चले जाते हैं, लेकिन शाम होते ही गांव के खेतों में लगे फसलों को अपना निवाला बनाते हुए रौंद देते हैं। ग्रामीणों के बताए अनुसार अब तक इन जंगली हाथियों के झुंड ने लगभग 25 एकड़ में लगे फसलों को अपना निवाला बनाते हुए रौंद दिया है। वहीं हाथियों के झुंड को रोकने के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन हाथियों के सामने ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि अब तो उन्हें इन जंगली हाथियों के झुंड से डर लगने लगा है, कहीं ये जंगली हाथी का झुंड गांव में हमला ना बोल दे और ग्रामीणों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आए तो है, कम से कम 4-5 दिन हो गए यहाँ डेरा जमाए है, और शाम के आते और रात भर चढ़ते खेत वेत में और वापस चल देते। अभी तो कितना फसल नुकसान करी थे? लगभग 15-20 एकड़ कर दिया नुकसान। हाँ, तो आप मन काय कर रहे थे, मतलब कुछ बचाओ? हमन बचाओ पर आते हैं तो दरोगा मन आते हैं और नाका मन और कथे कि खेत तरफ मत जाओ कथे, और अपन मन आते हैं और बस्ती ले भाग जाते हैं। क्या लगा थे आप मन ला कितना नुकसान करी थी और आगे का डर बने हैं आप मन ला? और आगे गांव में घुस जाए करके डर बने हैं हमन ला, जान माल के। हाँ, तो विभाग कुछ करते हुए? कुछ नहीं करते, आते और सिर्फ भाग जाते। हाथी है या कैसे बेस्ट है? क्या करते हैं हाथी में? हमारा फसल ना संगठन करता है। कब तक फसल नुकसान कर दे अभी तक? आज ही तक हमारे यान के जितकी वो है ना 20-25 एकड़ से सबको नुकसान कर दिया है। कई दिन लावत है हाथी? यार 3 दिन उतर है इसने। 3 दिन? हाँ। अच्छा, वन विभाग वाले मन आते हैं यहाँ? लेकिन आप हम अभी वही करते हैं, देखो तुम्हारा फसल को तुमन जो ये कर के ये फसल नुकसान कर रहे थे खेती बाड़ी ला मोहल्ला कालीच रात के आजिच रात के खाद है। कई कल खाए? 4 एकड़ ला। 4 एकड़ खाद है? हाँ। तो फिर कैसे करिए फिर? अब साल भर भी चलाना है फसल है, धान चौर ला, कैसे करिए अब? अब का करबो, फसल तो अब नुकसान हो गया है। फॉरेस्ट वाला अब आते हैं और हाथी को हाथी ला अब खेदे पर आथन हमन तो ना वो साहेब मनाते ना कदर होगा तो वो मन बोलते हैं कि मत जाओ खाने दो करके बोलते हैं। अच्छा, आप मतलब जान माल के भी डर है सुनने में आते गांव के? हाँ, हमारा जान के अब डर आते हैं। तो कैसे करते हाथी बचे तुमन? हमन वो मसालों घर और लाइट फाइट में आते हैं और थोड़े थोड़े चमकाते हैं। तो फिर ये सुनने में आते हुए कि वो हेल मसाला साला भी फेंक देते वन तो? हाँ, फेंक देते, नहीं डराते। अंगेठा भी नहीं डराते। फटाका उटाका फोड़ा था? फटाका उटाका भी फोड़ा था, ओला भी नहीं डराते। तो
वो झाला झाली है डरवानी सरवानी देते सब लोग उखाड़ के फेंक दे थे और निडर आते वो हाथी वही 20-22 है और रात रात में उधर से ना फसल चरपट हो जाते ना। कतक एकड़ खाई सुई अभी तक कतक के सामने कम से कम 15 एकड़ बागी थी। 15 एकड़ खा दी से। हाँ तो अभी हाथी कहाँ है अभी? अभी जंगल में चढ़ जाते हैं और वो धूप कम होता है ना तो हम आते हैं। अच्छा वन विभाग के कोई आया था इधर? वन विभाग के आते हैं लेकिन वो नहीं बगाव करके चले जाते हैं बस्ती से। देखने नहीं आते हैं क्या इधर खेत को? देखने आते हैं सुबह को आते हैं और रात को नहीं आते हैं गांव लोग वाले ना। आप लोग क्या बोलते हैं? लोग नहीं जाना करके बोलते हैं। आपको बता दें जिस जगह हाथियों के झुंड द्वारा पिछले 3 दिनों से उत्पात मचाया जा रहा है वहां से महज 200 से 300 मीटर दूरी पर सहस पानी में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास स्थित है जहां लगभग 19 से 20 छोटे छोटे बच्चे छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाथियों द्वारा किए जा रहे उत्पात को देखते हुए अब बच्चे भी डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। लगभग 4-5 दिन से आया हुआ है हाथी। कहां कहां तक घूम रहा है? वो जंगल किनारे खेत है वहां आ जाता है तो गांव वाले उसको जाते हैं खदेड़ने के लिए। अच्छा आपके हॉस्टल भी है छात्रावास भी जंगल में है कैसा लगता है जब हाथी नजदीक आते हैं? डर तो लगा रहता है बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर कैसे करते हो आपने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी वगैरह को दिए हैं? उच्च अधिकारियों को और रात को पहरा देते हैं हम गेट पे रहते हैं हम जितने भी ब्रिज हैं नाइट ड्यूटी करते हैं अधीक्षक भी रहते हैं। मतलब कभी हाथी आ गए तो बच्चों को कैसे करोगे उसके? उसके लिए तो रात को लाइट चारों तरफ जला के रखते हैं आग लगा के रखते हैं। वहीं गोमड्डा अभ्यारण्य के अधीक्षक ने बताया कि लगभग हाथियों का झुंड पिछले लंबे समय से गोमड्डा अभ्यारण्य में विचरण कर रहे हैं जो पिछले 3 दिनों से सहस पानी गाँव के तरफ डेरा डाले हुए हैं। हाथियों का झुंड काफी शांत स्वभाव का है इसलिए अभी तक हमें किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना की खबर नहीं मिली है। उन्होंने आगे बताया कि वन विभाग द्वारा लगातार गांव से संपर्क की जा रही है साथ ही ग्रामीणों को ये भी बताया जा रहा है कि वे हाथियों से कैसे दूर रहें। साथ ही ग्रामीणों के फसलों की रक्षा के लिए रात होते ही अलाव या मसाल की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं गोमड्डा अधीक्षक ने बताया कि जिन किसानों के फसलों को हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है या क्षति पहुंचाई गई है उसका जल्द आकलन कर सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। आप पिछले 3-4 दिनों से हाथियों का झुंड वहाँ पे अभयारण्य के जंगलों में डेरा जमाए हुए है और ये हाथी जो है शांत स्वभाव के हैं और ये लंबे समय से गोमड्डा अभयारण्य में विचरण कर रहे हैं और माजर माटी तरफ इनका लंबा प्रवास रहा है। उस दरमियान भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और उसका एकमात्र कारण यही रहा है कि गांव वालों को हम लोग उनसे दूर रहने के लिए हिदायत देने में जो हिदायत दिया गया था उसमें हम लोग सफल रहे और गाँव वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। और लेकिन पिछले 3 दिनों से सहस पानी गाँव में इनका जो प्रवास है तो चूँकि ये पहला प्रवास है हाथियों का उस गाँव के आसपास तो वहाँ के ग्रामीण भाइयों का पहला अनुभव है इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हैं। लेकिन हमारा स्टाफ लगातार उनके साथ में संपर्क बनाए हुए है और देर रात तक उनके साथ सहयोग करके उनको हाथियों से किस तरह दूर रहे इसकी समझाइश दिया जा रहा है और अलाव वगैरह की व्यवस्था भी हो रही है उनके खेतों के ऊपर में कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उनको जलाया जा रहा है देर रात को। और भी जो हमारे गांव के जो गली मोहल्ले हैं इनमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम लकड़ियों का जो गिरे पड़े लकड़ी है जंगल से उसको उठा के वहाँ पे स्टोर कराएं और वहाँ पे रात में अलाव की व्यवस्था करें ताकि हाथी गांव में न प्रवेश करें। हाँ तो हाथी का एक तरह से ये प्रिय भोजन होता है जो धान का समय है पकने का समय है तो उसको बड़ा पसंद करता है वो और इसमें जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उसके तहत हम लोग मुआवजा प्रकरण बनाने की तैयारी में लग गए हैं उनका आकलन किया जा रहा है और जो भी उसके दिशा निर्देश हैं राजस्व विभाग के उसके हिसाब से उनको जो है सहायता राशि ही कहना उसको ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि पूरी
जो भी क्षति हुई है उसका भरपाई करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो सहायता राशि है वो उनको दी जाएगी। छात्रावास में जो अधीक्षक हैं और बीओ साहब हैं जो लोकल, उनके हम संपर्क में हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये हाथी का प्रवास लंबा हो जाता है वहाँ पे, तो हमें इस विकल्प पे भी हम ध्यान दे रहे हैं कि छात्रावास को खाली करा दिया जाए और बच्चों को कहीं अन्य शिफ्ट भी किया जाए, लेकिन फिलहाल अपन वहाँ भी अलाव वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि और बच्चों को जो है छात्रावास से बाहर अंधेरे में निकलने को से मना किया गया है, और हॉस्टल अधीक्षक भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।